वेलकम फ्रेंड्स, कंप्यूटर ज्ञान गुरु जी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार और मैं आपके लिए लेके आया हूं पेंटिंग का वीडियो कि हम पेंटिंग कैसे करेंगे सभी बच्चों के लिए। बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, यहां पे फुल पेंटिंग हम इस वीडियो के अंतर्गत आज आपको बताएंगे। और आपको कार्टून्स भी, आपको छोटा भीम पसंद है, डोरेमोन पसंद है, ऐसे हम अलग अलग कार्टून्स भी पेंटिंग में बताना बताएंगे। लेकिन आज हम कंप्लीट फुल्ली पेंटिंग हम कैसे चलाएंगे, पेंट यूज़ कैसे करेंगे। पेंटिंग सबसे पहले दिक्कत आएगी हमारे पास कि हम पेंट को ओपन कहाँ से करें, कैसे चलाएंगे, तो उसके लिए हम चलिए देखते हैं। आप यहाँ पे देखोगे आपके पास स्टार्ट मेन्यू नज़र आएगा। नीचे स्टार्ट मेन्यू में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा एसेसरीज। एसेसरीज के अंदर हम देखेंगे, हमको नज़र आएगा पेंट विंडो। तो आप यहाँ से पेंट विंडो क्लिक करके चला सकते हैं फ्रेंड्स। या फिर हम क्या करेंगे, हम फिर से स्टार्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च बॉक्स में नीचे रन में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे पेंट। और आप देख रहे हो हमने पूरा पेंट लिखा भी नहीं है, यहाँ पे ऊपर इसने दिखा दिया पेंट। और यहाँ पे हम क्लिक करके पेंट विंडो चला लेंगे। तो यहाँ पे हम पेंटिंग में कैसे काम करेंगे हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो शुरू करें दोस्तों। तो पहले तो दोस्तों मैं आपको पेंट विंडो से इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। सबसे पहले ऊपर देख रहे हो हमारे पास टाइटल बार नजर आएगी जो नीले रंग की पट्टी होगी। उस टाइटल बार के ऊपर आपको क्या क्या मिलेगा, हमारे पास अपनी फाइल का नाम और इस विंडो का नाम, यानी कि हमारे पास पेंट विंडो ओपन है। दूसरा हमारे पास राइट साइड में आप देखोगे इसी बार के ऊपर तो तीन बटन और दिखेंगे। एक तो रेड कलर का जो हमारा इस विंडो को क्लोज करने के लिए होता है, दूसरा हमारा होता है इसको रिस्टोर डाउन, हमने इसको रिस्टोर डाउन करना है या इसको मैक्सिमाइज करना है, और तीसरा मिलेगा हमारा मिनिमाइज के लिए, यानी कि हमने इस विंडोज को नीचे समेट के रख दिया। नीचे होती है टास्क बार, यहाँ से हम इसको फिर से ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों दूसरे नंबर पे हमारे पास मेनू बार, जिसके अंदर हमारे पास दो मेनू नजर आ रहे हैं, होम और व्यू। होम के अंदर तो हमारे बहुत सारे टूल्स हैं जिससे हम ड्राइंग करेंगे, और व्यूज के अंदर हमको क्या देखना है, कैसे देखना है, वो मैं सारे अभी आपको बताऊंगा। फिर आ जाता है हमारे पास एक खाली पेज, यानी कि हमारा वर्क एरिया जहाँ पे हमने काम करना है। तो फ्रेंड्स एक नीचे स्टेटस बार होती है, इसका भी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, मैं बताता रहूंगा इसमें स्टेटस बार में क्या क्या स्टेटस दिखाता है। इसमें राइट साइड में आपको जूम का नजर आएगा, जहाँ से हम माइनस के निशान पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेज जूम आउट होता चला जाएगा, और प्लस के निशान पे करेंगे तो जूम इन होता चला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पेज, ये जो वाइट पेज है, ये छोटा करना है या पेज बड़ा करना है, तो आप यहाँ पे लास्ट में जाओगे कॉर्नर में तो एक आपको डॉट नजर आएगी छोटी सी, उस डॉट के ऊपर ही माउस लेके जाओगे तो आपको ये डबल एरो बनेगा। तो इस डबल एरो को इसको पकड़ के और जितना पेज आपने छोटा करना है उतना पेज आप छोटा कर सकते हैं, या बढ़ाना है तो इससे आप वापस इसको बढ़ा सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम इसके मेन मेन्यू के अंदर, जो यहाँ से हम ओपन करेंगे फाइल का, पेंटिंग का मेन मेन्यू, जिसके अंदर होता है हमारे पास न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट। तो इनके नाम से पता चल रहा है, न्यू का मतलब हो गया हमने, न्यू का मतलब हो गया हमने नई फाइल लेनी है तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, या फिर हमने कोई फाइल सेव कर रखी है और उसको ओपन करना है तो हम ओपन पे जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और हमने जिस भी नाम से जो फाइल सेव करी होगी उसको यहाँ से सेलेक्ट करके और ओपन कर लेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट आता है हमारा सेव, हमने कोई फाइल बनाई है, हम यहाँ पे एक ड्राइंग करते हैं, हमने ड्राइंग करी और इस फाइल को हमने सेव करना है, सुरक्षित करना है ताकि बाद में फिर और काम कर लें या बाद में देखना हो तो हम वापस पेंटिंग में यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे और इसको हम सेव कर लेंगे। हमने किस नाम से सेव करना है, हम यहाँ पे उस फाइल का नाम डालेंगे और यहाँ पे हमारा डिफॉल्ट होता है 24 बिट मैप इमेज, हम इसको ही हमेशा यहाँ पे रखेंगे। अगर आपने अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे भेजना है या फेसबुक पे भेजना है तो आप इसको यहाँ से दोस्तों JPEG फाइल भी सेव कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम सेव नहीं कर रहे, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। फिर आपने इस फाइल का प्रिंट लेना है तो प्रिंट कैसे लोगे, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो हमारे पास प्रिंटर होगा हम वो यहाँ से वो प्रिंटर चुनेंगे और प्रिंट ले लेंगे। तो यहाँ से मैं प्रिंट के, सेव के ये फंक्शन बाद में भी बता सकता हूँ, फिलहाल हम ड्राइंग करना सीखते हैं दोस्तों। ड्राइंग कैसे कैसे कर लेते हैं हम,
सबसे पहले तो हमने ये ड्राइंग बनाई है, अब इसको हटाना है। तो कैसे हटाएंगे? आपके पास यहाँ टूल्स में नज़र आएगा, जहाँ पे मिलेगा आपको इरेजर। आप इरेजर उठा लेंगे, इरेजर काफ़ी छोटा है, काफ़ी देर में यहाँ से हटाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल की के साथ प्लस यूज़ करेंगे तो हमारा इसका साइज़ बढ़ता चला जाएगा। और अगर हमने इसको फिर कम करना होगा तो क्या करेंगे, हम इसको पहले हटा लेते हैं, हम इसको कंट्रोल के साथ माइनस यूज करेंगे तो हमारे इरेजर का साइज जो है वो कम हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे पेंसिल है, हम पेंसिल से लाइन बना रहे हैं, पेंसिल के साइज हमको क्या चाहिए, हम साइज यहाँ से चुन लेंगे, या पेंसिल का कलर हमने अलग लेना है तो कलर भी यहाँ से उठा लेंगे। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट टूल आता है हमारे पास फिल विद कलर के लिए। हम ये डब्बा उठाएंगे और हमको यहाँ से ग्रीन कलर लेकर के यहाँ पे डालना है, तो हम यूँ फिल कर देंगे, एक बार में ऐसे फिल कर सकते हैं। फिर आ जाता है मैग्नीफायर का, हमने अपने इमेज को थोड़ा सा बड़ा करके देखना है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जूम करते चले जाएंगे। जूम हटाना होगा तो हम यहाँ से वो माइनस भी कर सकते हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया था माइनस करना है या प्लस करना है, हम इसको ले सकते हैं। एक आ जाता है पिक कलर के लिए दोस्तों। एग्जाम्पल हमारे पास कोई पिक्चर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कोई पिक्चर ले रहा हूँ, यहाँ से हम उठा लेते हैं, हमने यहाँ से ये पिक्चर उठाई है दोस्तों, और इस पिक्चर में ये जो कलर है ये हमारा रेड कलर पूरी तरह नहीं है, हमको ये वाला कलर यहाँ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ये पिक कलर वाला ये बटन उठाएंगे, यहाँ से आई ड्रॉप की तरह का होता है, और यहाँ से हम ये कलर को पिक कर लेंगे और फिर यहाँ पर हम उसको फिल कर देंगे। तो दोस्तों ऐसे हम जो कलर स्क्रीन से उठाना चाहेंगे वो कलर यहाँ स्क्रीन से उठा सकते हैं। अब आ जाता है हमारा इसको कम्प्लीट डिलीट करना है, हमने हम इरेजर यूज़ नहीं कर रहे, तो क्या करेंगे, हमारे पास एक टूल होगा यहाँ पे सिलेक्शन के लिए, हम ये क्लिक कर लेंगे और जहाँ तक हमने डिलीट करना है हम वो फाइल पूरी सेलेक्ट कर लेंगे और डिलीट यूज़ करेंगे, तो हमारी फाइल फिर से डिलीट हो जाएगी। ऐसे हमने क्या किया, हमने सारी फाइल डिलीट कर दी, हमको आधी फाइल डिलीट करनी थी, तुमको अब वो फाइल वापस चाहिए, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे कुछ काम करने से पहले हम यहीं पर रुक जाएंगे और उस फाइल को उस काम को रिवर्स कर लेंगे जो हमने गलत कर दिया, यानी कि हमने डिलीट कर दिया, नहीं करना था, तो हम क्या करेंगे रिवर्स करेंगे। कैसे रिवर्स करेंगे, हम कंट्रोल के साथ जेड की यूज करेंगे, कंट्रोल जेड, तो हमारा वो काम अंडू हो जाएगा, यानी कि रिवर्स हो जाएगा। ऐसे हम रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल जेड हम भूल जाएं, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से एक बार इस फाइल को डिलीट कर लेते हैं, सेलेक्ट करेंगे और डिलीट, तो आप यहाँ ऊपर देखोगे यहाँ पे आपको दो एरो घूमे हुए नजर आएंगे, जिनके ऊपर लिखा हुआ है जो लेफ्ट में घूम रहा है उस पर अंडू यानी कि कंट्रोल जेड, और जो राइट में घूम रहा है वो रेडू या कंट्रोल वाई, तो हम इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं। दूसरी गलतियाँ कैसे हो जाती हैं, आपने डब्बा ले रखा है कलर का और यहाँ पे ऐसे यूँ कलर फिल हो गया, तो अब क्या करोगे, फिर से गड़बड़ हो गई, तो आप गड़बड़ मिटाने के लिए यहाँ से वाइट कलर उठाओगे, वापस वाइट कलर डालोगे, तो हमारे कुछ जो वाइट कलर का जो मैटर होगा वो वहाँ से मिट जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है दोस्तों, हम क्या करेंगे, हमने अगर यहाँ पे रेड कलर फिल कर दिया है तो इस स्थिति में हम इस काम को रिवर्स करेंगे, यानी कि अंडू करेंगे, कंट्रोल जेड और फिर कंट्रोल जेड फिर कंट्रोल जेड, तो जितनी बार हम दबाएंगे वो हमारा काम रिवर्स होता जाएगा। आप देख रहे हो हमारा काम ज़्यादा रिवर्स हो गया, हमने यहाँ से रेड कलर हटा दिया, तो क्या करेंगे, उसको हम रेड कलर न डाल के अब रेडू करेंगे, जो हमने ज़्यादा रिवर्स कर दिया उसको वापस करने के लिए हम कंट्रोल वाई या रेडू बटन यूज़ कर लेंगे, तो ये हमारा वापस आ गया कलर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम कोई इमेज बनाएं, कोई आकृति बनाएं, तो हमारे पास यहाँ पे देखो शेप्स बहुत ज़्यादा हैं, हम कोई भी शेप्स यहाँ से ही उठाते हैं और यूँ हम रेक्टेंगल बनाना है या हमने सर्कल बनाना है या हमने लाइन बनानी है, तो आप यूँ लाइन बनाते हैं तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी बनती है फ्रेंड्स, ये सीधी करने में आपको टाइम लगता है, तो हम क्या करें कि लाइन ऑटोमेटिक सीधी बनती जाए, तो आप इस लाइन को जब भी बनाएंगे, जैसे हम नई लाइन बनाते हैं तो उस लाइन को शिफ्ट बटन के साथ बनाएंगे, हम शिफ्ट दबाएंगे और वो लाइन बनाएंगे तो देखोगे आप एकदम सीधी बनेगी, और पहले तो हम माउस को छोड़ेंगे और फिर शिफ्ट बटन को छोड़ देंगे, तो इस तरह हम सीधी लाइन बना सकते हैं, चाहे हमको यू बनानी हो चाहे हमको यू बनानी हो। ऐसे ही कुछ लाइनें हमको घुमानी है, तो हम क्या करेंगे, कर्व लाइन यहाँ से उठाएंगे, ये कर्व लाइन को हम दो बार घुमा सकते हैं,
किसी भी दिशा में हमने ऐसे उठा दिया या ऐसे दबा दिया, दो बार इसको घुमा सकते हैं। अब हम स्क्रीन को शार्प करना चाहें तो एक बार में डिलीट करेंगे तो हम फिर से हम सिलेक्शन यूज करेंगे और सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देंगे। अब चलते हैं और भी हम इमेज बनाते हैं, और हमने शेप्स क्रिएट कर ली, कुछ छोटी कुछ बड़ी, या कुछ हमने स्टार्स बना लिए, ठीक है, इनका कलर हमने डिफरेंट ले लिया, या फिर हमने इन आकृतियों में अलग अलग कलर यहाँ पे फिल कर लिए। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये स्टार यहाँ से उठाना है तो हम सिलेक्शन का यूज करेंगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको जहाँ भी रखना होगा हम यूँ रखेंगे। ऐसी स्थिति में दोस्तों जहाँ तक हमने सेलेक्ट किया है तो वो वाइट बैकग्राउंड भी यहाँ पे उठा के ले आया, तो हम क्या करें, इस वाइट बैकग्राउंड को हटाने के लिए हम इसको ऐसे सेलेक्ट नहीं करेंगे। हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पे इस एरो की से इसको ओपन करेंगे और इसको ट्रांसपेरेंट, सबसे नीचे वाला ऑप्शन जो आप देख रहे हो, हम ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर जहाँ रखना होगा हम उठा के इसको यूँ रख देंगे। सेम ऐसे ही अगर हमने ट्रांसपेरेंट पे ये काफ़ी सारे रखने थे तो हम क्या करें, हम इसको एक बार अंडू कर लेते हैं और इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब देखोगे जब तक हम सेलेक्ट नहीं करते तो हमारे ये दोनों फंक्शन नहीं चलते हैं, कब चलेंगे, जब हम कोई भी आइटम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करके हमने उसको यहाँ से कॉपी कर लिया और फिर इसको हम पेस्ट करेंगे तो आप देखोगे उसकी एक डुप्लीकेट इमेज यहाँ पे आ गई। आप जितने मर्जी इसको पेस्ट कर सकते हो, कंट्रोल वी बटन हमारा पेस्ट के लिए होता है, हम कंट्रोल वी दबाते जाएंगे और पेस्ट करते जाएंगे, ये अनलिमिटेड है दोस्तों। ऐसे ही अगर ये वाली इमेज हमको यहाँ पे यूँ सेलेक्ट करी और इस बार हम कॉपी नहीं, हम इस बार कट करेंगे और देखोगे आप वो वहाँ से हट गई, यानी कि वो डिलीट हो गई। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि वो डिलीट नहीं हुई है, वो हमने वहाँ से हटाई है। क्यों हटाई है, हमने उसको दूसरी जगह रखना है, तो कैसे रखेंगे अब दूसरी जगह, हम उसको फिर से पेस्ट करेंगे, वही कंट्रोल वी और ये इमेज यहाँ पे आके पेस्ट हो गई, इसको हमने उठा के यहाँ रख दिया, फिर से कंट्रोल वी और हम फिर से इसको यहाँ उठा के रख सकते हैं, फिर से कंट्रोल वी, हम जितनी मर्जी इसको भी अनलिमिटेड पेस्ट करते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स कॉपी और कट में क्या फ़र्क होता है कि कट करेंगे तो वो इमेज वहाँ से हट जाएगी और फिर उसको पेस्ट करेंगे, और कॉपी के अंदर वो वहाँ भी रहेगी और उसकी डुप्लीकेट इमेज दूसरी जगह भी आ जाएंगी। तो ये तो फर्क था हमारा कट और कॉपी के अंदर। अब चलते हैं, हमने कोई एक और इमेज बना लेते हैं, कोई दूसरी, यहाँ पे हम एक एरो ले लेते हैं। अब इस एरो को हमने इधर उल्टी साइड में पलटना है, वैसे उल्टी साइड के एरो भी हैं लेकिन हो सकता है सेम टू सेम हम नहीं बना पाए, तो दूसरी साइड में पलटने के लिए क्या करेंगे, हम पहले तो इसकी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए हमने यहाँ से प्रेस किया कंट्रोल सी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी, सॉरी ये कॉपी हुआ ही नहीं, हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से हमने कॉपी किया और पेस्ट कर लिया। अब ये जो पेस्ट वाली इमेज आई है इसको हमने पलटना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके विपरीत करने के लिए हमारे पास यहाँ मिलेगा आपको दोस्तों रोटेट का एक फंक्शन, हम रोटेट में जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेंगे फ्लिप वर्टिकल फ्लिप हॉरिजेंटल। तो हमारा हॉरिजेंटल वर्टिकल क्या होता है, जो ऐसे होता है आड़ा फेस वो होता है हमारा हॉरिजेंटल और यूँ खड़ा हो गया हमारा वर्टिकल, तो हमने इसको यूँ पलटना है हॉरिजेंटल पे, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हॉरिजेंटल पे पलट गई और हमने इस एरो को यूँ सेट कर लिया। अब क्या करना है, हमने इन दोनों को रोटेट करना है, यानी कि एक इनके बीच में हमको ऐसे आकृति लगानी है, तो क्या करेंगे हम इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी हम कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे तो हमारे पास दो इमेज हो गई, और इसको अब घुमाएंगे तो हम इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री एंगल के ऊपर, तो ये हमारी इमेज यूँ खड़ी इमेज हो जाएगी, वो नीचे कट गई फ्रेंड्स, हमने सेलेक्ट कम किया था तो हमको सेलेक्ट पूरा करना पड़ेगा। दूसरा इनको रिसाइज करना है, आप एक चीज़ ध्यान रखें, आप बड़े से छोटा रिसाइज करेंगे तो सही रहेगा और छोटे से बड़ा करेंगे
तो उसके पिक्सल फट जाएंगे, ये फटाफटा नजर आएगा, तो इमेज बड़ी से छोटी हो जाएगी लेकिन छोटी इमेज से बड़ी इमेज नहीं हो पाएगी। तो इसको भी हम एक बार डिलीट कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ फिल बॉक्स के लिए, हमने यहाँ से ये बॉक्स बनाया, हम चाहें कि कलर फिल होके आए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे फिल का ऑप्शन मिलेगा जिसमें दिखेगा सॉलिड, हम यहाँ इसको सॉलिड कर लेंगे। और कौन से कलर से सॉलिड करेंगे, हम वही कलर यहाँ से उठा के चले जाएंगे। हमने किया सॉलिड कलर, दूसरा कलर हमने वाइट ले रखा है, इसकी जगह हम दूसरा कलर जो भी लेंगे हमारे पास वो सॉलिड कलर हो जाएगा। अब जितनी बार भी हम ये इमेज बनाएंगे हमारे पास वो सॉलिड कलर में आएगी, चाहे कोई भी इमेज बनाए, क्योंकि हमने उसका कलर सॉलिड ले लिया। अगर लाइन का कलर नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम लाइन्स में जाएंगे और लाइन्स को नो लाइन कर देंगे, और अब फिर से इमेज बनाएंगे तो हमारे पास लाइनें नहीं आएंगी, हमारे पास सिर्फ बॉक्स बॉक्स आएंगे। तो हम दूसरे कलर को वापस वाइट कर लेते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। सॉरी, अब ये वाइट बनेगा क्योंकि डिलीट से काम नहीं चलेगा, हमको यहाँ से फिल में जा करके इसको सॉलिड कलर हटाना पड़ेगा। और लाइन का कलर वापस हमने लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जैसा भी हम यहाँ पे कलर लेंगे उसी कलर से हमारे ये बॉक्स क्रिएट होते चले जाएंगे। इनको भी हम एक बार हटा देते हैं। अब आ जाता है कलर चेंज करना। तो हम कलर चेंज कैसे करेंगे, कोई भी कलर को हमने चेंज करना है कैसे चेंज, एग्जांपल हम कोई टेक्स्ट लिखते थे, हमने आपको टेक्स्ट लिखना नहीं बताया, हम टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ की फैमिली बनाएंगे और वहाँ पे हम अपना कोई भी टेक्स्ट टाइप कर देंगे। अब हम इसका साइज बढ़ा देते हैं, इसका साइज हमने 72, पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, यूँ माउस से यूँ क्लिक करके यूँ दबा के ले आएंगे, सेलेक्ट हो जाएगा और इसका साइज हमने 72 कर लिया। कलर आप देख रहे हो इसका रेड है, हमको ग्रीन चाहिए तो हमने ग्रीन ले लेंगे, ब्लू चाहिए तो ब्लू ले लेंगे, जैसा कलर चाहिएगा वहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे और बाहर क्लिक कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में अब हम कलर चेंज करना चाहें तो अब इसके कलर चेंज नहीं होंगे। तो कैसे चेंज होंगे, हम कोई भी कलर यहाँ पे रखना है वो कलर उठाएंगे और फिल विद कलर से यहाँ पे इसको डाल देंगे। अगर हमने इसको दो तीन कलर डालने हैं इसमें तो हम कैसे डालेंगे, उसके लिए हम इरेजर का यूज करेंगे। दोस्तों इरेजर लिया हमने, इसका साइज बढ़ाना चाहेंगे साइज बढ़ा लेंगे, उसके बाद हमने जो कलर हटाना है वो कलर चुन लेंगे। हमने ब्लू हटाना है, ब्लू कलर हमने ले लिया, और उसकी जगह जो कलर डालना है वो हम राइट क्लिक से यूज करें या दूसरे कलर पे जा करके हमने इसकी जगह रेड करना है तो हम दूसरा कलर रेड ले लेंगे। तो हमारा देख रहे हो इरेजर का कलर चेंज हो गया। अब हम राइट क्लिक दबा के, माउस के एक लेफ्ट क्लिक होता है एक राइट क्लिक होता है, तो राइट क्लिक दबा करके इसके ऊपर से यूँ घुमाएंगे तो आप देख रहे हो जहाँ जहाँ हम घुमा रहे हैं वहाँ से ब्लू कलर हट के उसकी जगह रेड कलर हो रहा है। ऐसे ही आधा नीचे का कुछ है, ये हमने येलो में चाहिए तो हम एक कलर येलो या ग्रीन में चाहिए तो ग्रीन, और फिर से राइट क्लिक दबाएंगे और यहाँ पे घुमाते चले जाएंगे। ऐसे हम जितने कलर डालना चाहें अपने टेक्स्ट में या अपने कोई शेप बनाई है कोई इमेज बनाई है उसमें, तो हम कलर यूँ मल्टी कलर वहाँ पे कर सकते हैं। ये कलर हम वापस वाइट ले लेंगे दूसरे वाला ताकि इरेजर हमारा सेम रह जाए और हम इसको हटा देते हैं। आपने कोई रंगीन इमेज बनानी है या कुछ और हमने स्नेक वगैरह इस तरह के बनाने हैं, मैं आपको बना के बता रहा हूँ। हमने यहाँ पे एक स्माइली क्रिएट किया है और हम चाहते हैं इस स्माइली को हम यूँ भगाएं, इसमें थोड़ा सा कलर और डाल लेते हैं हम, तो कोई भी एक लाइट कलर यहाँ पे डाल लिया। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ये ध्यान रहे इसको दोस्तों ट्रांसपेरेंट पे सेलेक्ट करना है हमारा, देखेंगे यहाँ से ट्रांसपेरेंट ही सेलेक्ट है, तो ट्रांसपेरेंट पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबाएंगे और इसको पकड़ लेंगे। इसको पकड़ के रखना है, शिफ्ट को बेशक छोड़ देना है, और फिर हम इसको जैसे ही चलाएंगे तो ये रन करता चला जाएगा, जितनी स्पीड से घुमाएंगे उतनी स्पीड से ये चलता चला जाएगा जब तक हम माउस नहीं छोड़ेंगे। अब हम माउस छोड़ दिया और फिर भगाएंगे तो फिर ये नहीं चलेगा दोस्तों। तो कैसे चलाएंगे, फिर से हम शिफ्ट के साथ इसको पकड़ेंगे और फिर चलाना शुरू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह हम रनिंग इमेज भी यहाँ पे पेंटिंग में क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम हटा देते हैं। कलर कॉम्बिनेशन के लिए अगर आप नहीं कर पा रहे हैं
तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर हमने इस कलर में कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना है, कुछ डार्क करना है या लाइट करना है, तो हम यहाँ पे एडिट कलर में इधर चले जाएंगे और एडिट कलर में जाके हम कलर को यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो इस बॉक्स के अंदर कलर हमारा डार्क और लाइट होता नज़र आ रहा है, या फिर हमने कोई कलर मिक्स करना है और उसको डार्क या लाइट करना है तो हम वो यहाँ से कर लेंगे और ओके कर देंगे, तो वही कलर हमारे पास यहाँ वन कलर में सिलेक्ट हो जाएगा और फिर हम उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब इसमें दो फंक्शन और छूटे हैं दोस्तों आपके। एक तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक पिक्चर ली थी, कैसे लेंगे हम उसको, हम पेस्ट फ्रॉम से लेंगे दोस्तों। जैसे हम यहाँ पे पेस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट फ्रॉम क्या क्लिक करेंगे और जो इमेज जो पिक्चर हमको चाहिए, हमको ये पिक्चर चाहिए तो इस पर क्लिक किया और इसको ओपन कर देंगे तो वो पिक्चर हमारी यहाँ पेंट में आके जुड़ जाएगी। ऐसे ही दूसरा फंक्शन है, हम एक इमेज बना रहे हैं यहाँ पे, इसमें कलर फिल कर रहे हैं, इसमें से हमने कुछ इमेज ऐसे फूल काटने, कुछ डिजाइन काटने, तो एक तो हमारे पास सिलेक्शन का था, जो हमारे पास यू कटिंग करेगा तो ये रेक्टेंगल में ही कटिंग करेगा, देख रहे हो फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे कट कर करके लगा सकते हैं। अगर हमने कोई शेप अलग काटनी है तो हम यहाँ से सिलेक्शन के अंदर एक होता है हमारे पास फ्री सिलेक्शन, हम ये सिलेक्ट करेंगे फ्री सिलेक्शन वाला और यहाँ से जैसे भी हमने जो भी इमेज यूँ काटनी है वो उसको ऐसे ही सिलेक्ट कर लेंगे और यूँ उठा के रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे जैसे मर्जी हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो इन्हीं टूल्स का यूज़ करके हम आपको अलग अलग कार्टून्स यहाँ पे बनाना बताएंगे, अलग अलग फोटो तस्वीरें हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो सब हम आपको यहाँ पे बताते रहेंगे। ब्रशेज हैं, आप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, किस तरह की ब्रश आपको चाहिए, आपको ये ब्रश चाहिए, यहाँ पे ब्रश का साइज बढ़ाना होगा तो हम वही कंट्रोल प्लस यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास ब्रश के साइज बढ़ जाएंगे। ब्रश का आकार किस तरह का चाहिए, हमको एयर ब्रश चाहिए तो ये एयर ब्रश हमारी स्प्रे के में काम करेगी, या फिर हमको मोम वाली ब्रश चाहिए, ये हमारी इस तरह की ब्रश रहेगी, तो हम यहाँ से अपनी ब्रश चेंज कर सकते हैं, जो मर्जी हम यहाँ पे शेप ले सकते हैं और हमने सिलेक्शन कैसा कैसा करना है वो सिलेक्शन ले लेंगे। आखिरी टूल्स जो इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, पहले मैं इसको कंप्लीट सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। आखिरी टूल से हमारा इमेज को हमने स्क्यू करना है कि हमारे पास एक इमेज है ये, आप जैसी मर्जी इमेज ले सकते हैं, मैंने तो एक एग्जांपल समझाने के लिए आपके पास इमेज ली है, हमने इसको स्क्यू करेंगे तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और अब हम वापस हम रिसाइज के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देख रहे हो आप स्क्यू का फंक्शन, हमने हॉरिजॉन्टल पे या वर्टिकल पे कौन सी डिग्री कितनी डिग्री पे इसको स्क्यू करना है उतनी डिग्री यहाँ पे डालेंगे, हमने हॉरिजॉन्टल पे डाल दिया और ओके, तो आप देखोगे ये हॉरिजॉन्टल से इधर ऐसे स्क्यू होगी। ऐसे कोई भी इमेज हमने स्क्यू करनी है उसकी हमने शैडो डालनी है नीचे तो हम शैडो डाल लेंगे, शैडो कैसे डालेंगे हम इसकी एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको हमने नीचे शैडो दिखाना है तो क्या करेंगे, उसके दो तरीके, पहले तो इसको फ्लिप कर लेते हैं, हमने इसको यहाँ से फ्लिप वर्टिकल फ्लिप हो गया, अब इसकी शेडो का रूप देना, हमने इसको यहाँ से टच कर लिया और हम इसमें कलर फिल कर देंगे शेडो वाला, जैसा शेडो का कलर होता है तो हमने इसको ऐसे इसकी शेडो बना ली। ऐसे हमने बहुत सी ऐसे आकृतियाँ बनाई हुई है और हमने क्या किया, हमने सेलेक्ट कर रखा है ये एरिया और हम डिलीट करेंगे तो यही एरिया डिलीट होगा, हम चाहते हैं कि जो सेलेक्ट कर लिया वो डिलीट ना हो और बाहर का एरिया डिलीट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिलेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा आपके पास इन्वर्ट सिलेक्शन, हम इस पे सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे तो आप देखोगे जो हमने सेलेक्ट किया था वो वहाँ पे बचा रह गया, बाकी का हमारा वहाँ से डिलीट हो गया। वापस कर लेते हैं इसको, रिवर्स करेंगे हम कंट्रोल जेड, एक फंक्शन आ जाता है दोस्तों हमारे पास कि एक और इमेज है हमारे पास ये वाली, सिर्फ हमने सिलेक्शन लिया यहाँ से सेलेक्ट कर लिया इसको, हमने इमेज ही यही रखनी है, ये सारी हमको हटानी है और अपने पेज का साइज भी इतना ही रखना है, तब हम क्या करेंगे, पेज साइज कम करेंगे यहाँ से नीचे से पकड़ के जो शुरू में मैंने बताया था, तो हमारी इमेज कटती चली जाएगी,
तो यहाँ से हम कैसे करेंगे, हम इसको क्रॉप कर देंगे। यहीं देखोगे आपके पास क्रॉप का फंक्शन नजर आएगा और हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारी पिक्चर क्रॉप हो जाएगी और जो सिलेक्ट कर रहा था सिर्फ वही रह जाएगा। अगर हम और बनाना चाहें तो हम इसको पेज को फिर से बढ़ाएंगे, यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा और फिर हम और इमेज यहाँ पे बना लेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कार्टून क्रिएट करना और जो टूल्स यहाँ पे छूट गए वो भी बताएंगे। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।